हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जनरल रिव्यू। और आज का जो जनरल रिव्यू हम करेंगे जिस प्रोडक्ट का, वो है गोदरेज एक्सपर्ट का रिच क्रीम है कलर। तो इस कलर के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यू इसमें क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो शेड मेरे पास है वो है नेचुरल ब्लैक 1.00। इसका जो शेड नेम है 30 रुपीज़ में आपको दिख रहा होगा कि 30 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। और इस रिच क्रीम में नया क्या है, सबसे अच्छी बात है इसमें 10 इंटू ज़्यादा एलोवेरा आपको मिल जाता है। थोड़ा नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है हम सबके लिए। तो दोस्तों क्लेम्स क्या है इसके कि 100% ग्रे कवरेज है, यानी कि आपके जितने भी वाइट बाल हैं वो 100% जो भी आप कलर लेंगे, जैसे मेरे पास ये ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और इसका अच्छा पॉइंट है, जो कलर हम ये बालों में करते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, नो अमोनिया, यानी कि बिल्कुल भी अमोनिया फ्री है ये। तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है इसका। और जो इसका क्लेम है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग आपके बालों में कलर रहता है, तो वाकई में काफ़ी हफ्ते निकल जाते हैं आपके, इवन 1 एंड 2 मंथ्स आपके निकल जाते हैं, तो कलर बालों में रहता है, काफ़ी अच्छा ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके बैक कवर में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं आपको। और अंदर से मैं इसकी पैकिंग भी आपको खोल के दिखाऊंगी कि अंदर आपको इस कलर में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 रुपीज़ का प्राइस है और जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो अराउंड 1 ईयर के करीब है, तो काफ़ी अच्छी शेल्फ़ लाइफ आपको मिल रही है। 1 ईयर तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी 1 ईयर से कम आप कह सकते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ है। यहाँ पे आपको यूजिंग की सिंपल टिप्स बताई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो पैच टेस्ट कहते हैं, यानी कि अगर आपने अब तक कलर नहीं किया है या फिर आप ये कलर ट्राई करना चाहते हैं, तो पूरा कलर करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर से ले लें। और ये बहुत ज़रूरी होता है, कहीं कई बार ऐसा होता है कि हमें ये कलर सूट नहीं करता है और कुछ इन्फेक्शन हो जाए इससे बचने के लिए, कुछ एलर्जी हो जाए इससे बचने के लिए, एक पैच टेस्ट हमेशा ही ज़रूरी होता है। जी यहाँ पे दोस्तों आप इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, काफ़ी केमिकल है, SLS भी है इसमें, एक्वा वाटर के साथ है ये। और अंदर की पैकिंग जब हम खोलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पैक मिलता है, यानी कि ये एक सिल्वर कलर का जो मेरे पास पैक है, और ये वाइट कलर वाला डेवलपर है, और जो सिल्वर कलर वाला है वो क्रीम का पैक है, यानी कि इन दोनों को हमको लेके मिलाकर इक्वली मिलाकर हमको इनको यूज़ करना है। और ये एक लीफलेट भी अंदर आपको दिया जाता है, इसमें कई लैंग्वेजेस में आपको बताया गया है कि कलर को किस तरह करना है। तो इस कलर में आप चीज़ें देख सकते हैं, एक क्रीम का पैकेट है, इसके पीछे भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दूसरा पैकेट है डेवलपर का, उसके पीछे भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि इन्फॉर्मेशन की कहीं भी कमी नहीं है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है प्रोडक्ट को। तो अगर मैं इसके यूजेज की बात करूँ दोस्तों, तो आपको किस तरह लगाना है, बड़ा ही सिंपल है। आपको इन दोनों को इक्वल मात्रा में, यानी कि एक बराबर मात्रा में आपने इन दोनों को ले लेना है। और हेयर ब्रश, जो कलर ब्रश जिससे हम अपने बालों में कलर करते हैं, उस ब्रश की हेल्प से आपने अपने बालों में ये कलर लगा लेना है अच्छे से। और उसको कितनी देर के लिए छोड़ देना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 30 मिनट्स के लिए दोस्तों इसको छोड़ देना है। उसके बाद जो नॉर्मल वाटर होता है पानी, उससे अपने बालों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। जी हाँ, शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और नेक्स्ट डे चाहें तो आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इतने ज़्यादा टाइम का जो कलर है, तो आजकल इंस्टेंट कलर भी आ रहे हैं, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।